मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार कर 14 लाख का 49 किलोग्राम अवैध गांजा किया बरामद। इगदिल पुलिस ने मुरैठा गांव के पास एसओजी और इगदिल पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके बरामदगी की। एक मोपेड समेत 3 थैले से 26 बंडल में 49 किलो गांजा किया गया बरामद। उड़ीसा से तस्करी कर लाया गया गांजा औरैया और इटावा में करते थे सप्लाई। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। ये कल की घटना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार पूरे जनपद में मादक पदार्थों और अवैध शराब संबंधी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना मिली थी हमारे SOG टीम प्रभारी विश्वकर्मा जी, सर्विलांस टीम प्रभारी रमेश अपनी टीम के साथ लगे हुए थे। इसी में इन्हीं के साथ इगदिल थाना पुलिस भी थी। इनके द्वारा बिरारी पुलिया है जो हाईवे पे ओवरब्रिज है, वहीं पर एक मोपेड पर सवार दो लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से अवैध गांजा बरामद हुआ है जिसका वजन लगभग 50 kg है और बाजार में कीमत 13-14 लाख रुपए बताई जा रही है। ये दोनों ही व्यक्तियों द्वारा मादक पदार्थों को उड़ीसा से लाया जाना अभी तक की पूछताछ में बताया जा रहा है। इसका फॉलो अप भी हम लोग करा रहे हैं कि इनके पीछे और कौन कौन लोग हैं। अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि ये जनपद इटावा और औरैया में इसकी खपत करते थे। इसमें से एक अभियुक्त ब्रजेंद्र सिंह है जो जनपद औरैया का है और दूसरा परशुराम अपने इगदिल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस प्रकरण में अभी और विस्तार से जानकारी की जा रही है जो आपको शीघ्र ही अवगत कराया जाएगा। क्या ये दोनों आरोपियों के ऊपर पहले से भी कोई किंवदंती? अभी इनका आपराधिक इतिहास एक का पता चला है और काफ़ी कुछ जानकारी की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं शीघ्र ही प्रगति से अवगत कराएँ।